चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरों को। बता दें कि सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणा बड़े ऐलान कर दिए हैं, साथ ही यूपी के सभी जिलों की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, तो वीडियो को लाइक करके खबर को आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में रातों रात योगी कैबिनेट के 27 बड़े फैसले, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों से जहां एक ओर वाहन मालिकों और पुलिस वालों को राहत मिलने वाली है, वहीं प्रदेश में हजारों युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ होने वाला है। आइए विस्तार से जानें आज कौन कौन फैसलों पर मुहर लगी और इन फैसलों से किस तरह से छात्रों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों को फायदा होने वाला है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों का टैक्स न जमा कर पाने वाले मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। पहले की तरह इस बार भी कैबिनेट ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें वाहन स्वामियों के बकाए टैक्स पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा स्कीम भी चलाई जाएगी, जिसमें एक मुश्त जमा करने पर छूट दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के लिए करोड़ों की लागत से 338 नए वाहनों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। कुछ समय पहले ही गृह विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था। इनमें पीएससी के 25 वाहन और यूपी 112 के 313 वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे जनता को लाभ होगा। इसके अलावा शीरा नीति मंजूर कर दी गई है, 19% शीरा देसी मदरा के लिए आवंटित की जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मरम्मत और रखरखाव के लिए 1949 करोड़ की परियोजना मंजूर कर ली है। यह कार्य योजना 5 साल के लिए है, इसमें 40 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विदेशी विश्वविद्यालय अपने कैंपस खोल पाएंगे, जिससे आप यूपी में रहकर विदेश से पढ़ाई कर पाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ में भूमि आवंटन को हरी झंडी दे दी गई है। जेवर के निकट 3,706 करोड़ के निवेश से सेमी कंडक्टर यूनिट लगने वाली है, जिसमें की हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा योगी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण व संचालन को मंजूरी दे दी है। यह संरक्षण गृह वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में बनेंगे। वहीं राज्य की योगी सरकार ने पान मसाला, तंबाकू और गुटखा समेत इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए मशीनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो जुर्माना लगेगा। वहीं 6 साल में यूपी की आबो हवा सुधारने के लिए सरकार ने विश्व बैंक की मदद लेने के लिए कहा है और प्रदेश में क्लीन एयर यानी हवा की शुद्धता के लिए मूवमेंट चलाया जाएगा। केन नहर प्रणाली के सुधार पर 1191 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इस सुधार से 1,60,000 किसानों को सीधे फायदा होने वाला है। इसके अलावा मध्य गंगा नगर परियोजना, ललितपुर भौरट बांध परियोजना रफ्तार पकड़ने वाली है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। वहीं 76 मंजिल चुनार किरा और बरुआ सागर निजी निवेश से चमकेंगे और यहाँ पर कई सारे नए पर्यटन के केंद्र बन जाएंगे और काफी ज्यादा पर्यटन विकसित होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पाने वाले को मिल सकेगी ग्रेच्युटी। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1961 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से मिलेगी मुक्ति, शहरों से गांव तक ये है तैयारी, अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। दरअसल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने तथा घटनाओं का कारण बनने वाले छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्ति दिलाने की तैयारी है। इनके लिए बड़ी योजना पर काम होगा, लेकिन इससे पहले छुट्टा जानवरों की सही संख्या पता करने के लिए इनका सर्वे कराया जा रहा है। सत्यापन व गणना शहरों व गाँव से लेकर कस्बों तक में हो रही है। इसमें पता किया जा रहा है कि किस इलाके, गाँव, खलियान, चारगाह, कस्बे, मोहल्ले और शहर में कितने छुट्टा गौवंश हैं। इनके आंकड़े आने के बाद इनकी संख्या के आधार पर जानवरों को सुरक्षित रखने का काम शुरू होगा। नई गौशालाएं, काना उपवन व नंदीशाला बनाए जाएंगे। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में डीजीपी की तैनाती के लिए बनी नई नियमावली, योगी कैबिनेट की मंजूरी भी मिली। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी गई है। इससे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि अब एक स्थायी डीजीपी नियुक्त होगा। फिलहाल अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक मनोनयन समिति का प्रावधान किया गया है। समिति के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर न्यायाधीश होंगे। साथ ही समिति में प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग और यूपी लोक सेवा आयोग से नामित एक व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी भी होंगे। नियमावली में तय किया गया है कि डीजीपी पद पर उसी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिनकी सेवा अवधि कम से कम 6 महीने, अवस्थ्य शेष हो कम से कम 2 साल का कार्यकाल इन्हें दिया जाएगा।
यूपी में पशुपालन से सौरे की ग्रामीण युवाओं की तकदीर, पैरावेट्स के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्री परिषद ने राज्य में पशुपालन और परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति तैयार करने का फैसला लिया है। यह पहल ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित पैरावेट्स की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस नई नीति के तहत राज्य में निजी संघ सरकारी संस्थाओं में पशुपालन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकेंगे, जिससे पैरावेट्स को जरूरी प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के घर घर में चेकिंग की है तैयारी, बिजली विजिलेंस टीम से आपकी हर बात होगी रिकॉर्ड। दरअसल आपको बताने कि उत्तर प्रदेश के जिलों में बने विजिलेंस थाने के पुलिसकर्मी बॉडी वार्न कैमरे से लैस नजर आएंगे। विजिलेंस टीम घर आएगी तो इनके साथ आपकी हर बातचीत रिकॉर्ड होगी। किसी ने बस सुलूकी की तो वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। निगम स्तर से 400 कैमरे खरीदे जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में सभी थानों में कैमरे मिलने लगेंगे, जिससे कि लोकल और विजिलेंस टीम अब संयुक्त रूप से घर घर चेकिंग अभियान को तेज करेगी। बिजली चोरों पर शिकंजा कसने की कार्य योजना भी बनाई जा चुकी है। दरअसल आपको बताने के पहले क्या होता था, जब कैमरा नहीं होता था तो लोग जाते थे, बिजली चोरी पकड़ते थे, लेकिन वो लोग कोर्ट में जाकर कहते थे कि इन्होंने मेरे साथ अभद्रता की है, गलत किया है और झूठी रिपोर्ट बना के लगा दी है, हमने कोई बिजली चोरी नहीं की थी। तो इसीलिए अब कर्मचारियों को कैमरा लगा कर भेजा जा रहा है। यूपी में अपर्णा बोली, करहल में चुनाव लड़ रहा भतीजा, पार्टी कहेगी तो जीजा के लिए करूंगी प्रचार। दरअसल मैनपुरी के करहल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सैफई परिवार की बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा कि करहल में उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा है। करहल में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा नेतृत्व ने अभी उनसे नहीं कहा है, यदि नेतृत्व कहेगा तो करहल में भी पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगी। अपर्णा का बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा और सपा के बीच करहल में कांटे का मुकाबला चल रहा है। एक निजी चैनल से बातचीत के अपर्णा यादव से पूछा गया कि वह करहल में भाजपा प्रत्याशी बन सकते थी, उन्होंने वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो उन्होंने कहा कि करहल में तो उनका भतीजा तेज प्रताप चुनाव लड़ रहा है, करहल में भाजपा के उम्मीदवार उनके जीजा जी हैं। जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है तो पार्टी ने अभी उनसे प्रचार करने के लिए नहीं कहा। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 3-3 छोटे पुल, मुख्यमंत्री ने की पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की समीक्षा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 लघु सेतुओं का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त और संकरे सेतुओं के स्थान पर नए सेतु बनाए जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी धर्मों व संप्रदाय व पंथ के धार्मिक व पौराणिक पर्यटन स्थलों को बेहतर संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परियोजनाओं में गड़बड़ी होने पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जवाबदेही तय की जाए। अपने सरकारी निवास पर लोक निर्माण विभाग के परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। खेलों में चमकेंगी यूपी की 80,000 से अधिक छात्राएं, एक KGBV एक खेल योजना के जरिए ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। दरअसल आपको बताने की यूपी की योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली 82,120 बालिकाओं की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास तेज कर दिया है। सरकार इस उद्देश्य को एक KGBV एक खेल योजना लागू कर साकार करेगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष खेल का चयन किया जाएगा, जिसमें छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना से बालिकाएं खेल में निपुण होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी प्राप्त करेंगी, जिससे वे समाज में एक सशक्त पहचान बना सकेंगी। सीएम योगी को जान से मारने की एक और धमकी, इस बार गोरखपुर के रहने वाले ने किया पोस्ट। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुंबई की एक युवती द्वारा जान से मारने की धमकी के 2 दिन बाद ही एक्स पर उन्हें आज एक और धमकी दे दी गई। इस बार धमकी देने वाले ने युवती की ही पोस्ट को रिपोस्ट करने के साथ धमकी भरा कमेंट किया है। छानबीन में जुटी पुलिस ने रात तक आरोपित को ट्रेस कर लिया। पुलिस के मुताबिक वह गोरखपुर के पिपराइज का रहने वाला है, लेकिन परिवार के साथ मुंबई में रहकर सिलाई काम करता है। मुंबई पुलिस को उसके बारे में सूचना दे दी गई है। मुंबई की फातिमा खातून द्वारा मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज भेजकर योगी को मारने की धमकी दी गई थी इससे पहले।
यूपी में टीचरों को अब 3 वर्ष में ही मिलेगी तबादले की सुविधा। नए प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की हरी झंडी। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी कैबिनेट ने प्रदेश की सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके 5 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल 3 वर्षों की सेवा के बाद ही स्थानांतरण किए जाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। इससे घर से दूर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रही महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पास वापस आने का अवसर पहले से कम समय में मिल सकेगा। इसके लिए एक नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 में इसका प्रावधान किया गया है। तो कैसा है फैसला, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में छठ पर्व को लेकर डीजीपी के निर्देश, घाटों पर कड़ी होगी सुरक्षा, सादे कपड़ों में रहेंगी महिला सिपाही। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी ने छठ पर्व के मद्देनजर प्रमुख घाटों, पूजा स्थलों और तालाबों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा है। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सादे कपड़ों में लगाने के लिए कहा है। इस त्यौहार में महिलाएं काफी संख्या में होती हैं। घाटों पर गोताखोरों की ड्यूटी जरूर लगाने को कहा गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 5 नवम्बर आज से शुरू हो रहे छठ पर महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में होते हैं, इस लिहाज से महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही न बरतने की बात कही। इसके अलावा भीड़ वाले स्थानों पर एंटी रेमो स्क्वाड भी तैनात रहेंगे, यानी कोई भी गलत काम करता पकड़ा गया तो उसकी खूब धुनाई होने वाली है। कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। डालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, भाजपा की पुरानी चाल, यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले अखिलेश। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव की तारीखों में आज बदलाव कर दिया। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। वही मतगणना पहले की तरह ही 23 नवंबर को ही होगी। बता दें कि भाजपा और उसके सहयोगी रालोद ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए डेट बदलने की मांग की थी। अब अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह कि उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार जो बाहर रहकर काम करते हैं, फिलहाल वो घर आए हुए हैं दिवाली के अवसर पर, और बेरोजगारी का बदला लेने के लिए योगी के विरोध में भारी वोटिंग करेंगे। इसीलिए योगी चाहते हैं कि ये लोग चले जाएं, उसके बाद वोटिंग हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। यूपी के जिले में आज से 5 दिन बाधित रहेगी बिजली सप्लाई, सुबह 11 बजे ही निपटा लें सारे काम। दरअसल महाकुंभ के मद्देनजर कोठा पाचा चौराहे से कीड़गंज होते हुए नए यमुना पुल तक बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। इसके तहत 5 से 9 नवंबर तक कीड़ागंज उपकेंद्र से होने वाली बिजली आपूर्ति सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। उपखंड अधिकारी बीबी राय ने बताया कि कार्य में लगाए गए कर्मचारियों से जरूरत के मुताबिक आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर अवर अभियंता महाकुंभ राहुल ने बताया है उधर अवर अभियंता ने बताया कि बैराना फोर्ट रोड उपकेंद्र से की जाने वाली बिजली आपूर्ति 11 से 4 बजे तक बंद रहेगी। यूपी के गाजियाबाद में 5 जगहों पर 3-3 मीटर चौड़ी होगी यह सड़क, 2 जिलों का सफर होगा सुगम। दरअसल आपको बता दें कि गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी से करहेड़ा तक करीब 5 स्थानों तक सड़क चौड़ी होगी। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। जीडीए उपचुनाव के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। हापुड़ चुंगी चौराहे से करहेड़ा तक वाहनों का काफी दबाव रहता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग का यू टर्न, कम बच्चों वाले स्कूलों के विलय का जारी किया था निर्देश, विरोध के बाद लिया गया वापस। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में 50 से उससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का 5 के 2 प्रसदी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में विलय अब नहीं किया जाएगा। यानी कल हमने आपको जो खबर बताई थी कि 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, अब विरोध के बाद उस फैसले को वापस ले लिया गया है। स्कूलों का विलय किए जाने से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद शुरू हुए राजनीतिक विरोध को देखते हुए इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के घिरने के बाद विभाग बैकफुट पर आ गया। पहले तो बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर तंज कसा था। यूपी में लखनऊ के अवध बस डिपो सहित प्रदेश के 15 बस डिपो अब निजी हाथों में, टेंडर के जरिए हुआ आवंटन। जी हां, आपको बता दें कि अवध डिपो सहित रोडवेज ने 15 डिपो निजी हाथों में सौंप दिए हैं। इन डिपो में बसों के मेंटेनेंस का काम अब निजी कंपनियां देखेंगी। अवध डिपो के अतिरिक्त नजीबाबाद, हरदोई, जीरो रोड, ताज डिपो, देवरिया, साहिबाबाद, वाराणसी, कैंट, सुल्तानपुर, झांसी, बलिया, बांदा, बदायूं, इटावा और बलरामपुर डिपो शामिल है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि रोडवेज कार्यशालाओं की दक्षता बढ़ाने के मंतव्य से 19 डिपो के वर्कशॉप को आउटसोर्सिंग के जरिए टेंडर किया गया था। तो क्या लगता है, इससे कुछ सुधार होगा? कमेंट जरूर करें।
आंगनबाड़ी भर्ती 311 पदों के लिए 15,000 आवेदन, मेरिट पर होगी नियुक्ति, इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। दरअसल आपको बता दें कि बरेली में बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पदों पर भर्ती के लिए लंबा इंतजार खत्म हो गया। शासन ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन नए आवेदन नहीं होंगे। जिन महिलाओं ने 27 अप्रैल से पहले आवेदन किए हैं, उनके आवेदनों पर ही विचार होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद के लिए 48 आवेदक आए हैं। आवेदन फॉर्म 2 दिन में छांटे जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी, इसके बाद नियुक्तियां की जाएंगी। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 311 पदों के लिए 15,000 आवेदन आए हैं। अखिलेश यादव के सपा के और करीब आए राजा भैया, खुद किया था मुकदमा, अब वापस लेने पहुंचे कोर्ट। जी हां, आपको बता दी कि कुंडा विधायक जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के और करीब आ गए हैं। उनके ताजा रुख यही संकेत दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंचन पर विधायक इंद्रजीत सरोज के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराए गए परिवाद में राजा भैया की तरफ से समझौते की बात सामने आ रही है। कोर्ट में परिवाद को वापस लेने का अभिलेख सोमवार को राजा भैया के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान खुद राजा भैया भी अदालत में मौजूद रहे। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई और फॉर्चून 500 कंपनी नीति में संशोधन, योगी कैबिनेट की मुहर। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई एवं फॉर्चून 500 कंपनियों का निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसको बड़ी राहत दे दी गई है। इसके माध्यम से अब वैसे विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ साथ कर्ज या किसी अन्य स्रोत से धन की व्यवस्था करती हैं। बांके बिहारी मंदिर में हथिनी के मुंह से आने वाले जल में सिर्फ एसी का पानी ही नहीं, सामने आई वीडियो की सच्चाई। दरअसल आपको बताने की सोशल मीडिया पर इन दिनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के पीछे बने पत्थर की हथिनी की आकृति से गिर रहे पानी को गर्भगृह के अंदर लगे एसी का पानी बताया जा रहा है। इसे लेकर अब टिप्पणी भी तेज हो गई है। कई लोग श्रद्धालुओं को भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सेवायत कहते हैं कि ठाकुर जी के गर्भगृह का वह जल है जो ठाकुर जी के स्नान के साथ ही गर्भगृह को साफ करने में उपयोग होता है। ये पूरी तरह आचमन योग्य है और चरणामृत है। हालांकि सेवायत कहते हैं कि गर्भगृह में लगे एसी का पानी भी इसमें मिल रहा है, लेकिन वो अभी तो इसमें मिलकर चरणामृत हो जाता है। दिल्ली हाईवे के दो हिस्सों में नवंबर में दौड़ेंगी गाड़ियां, यूपी के इन रास्तों में सफर होगा सुहावना। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून हाईवे के दो खंड इसी महीने खोलने की तैयारी है। यूपी के कई शहरों से यात्रियों का सफर सुहावना होने वाला है। दोनों खंड का निर्माण पूर्ण कर लिया है। लोड समेत सभी जांच पूरी हो गई है। NHAI ने हाईवे का उद्घाटन कराने के लिए PMO से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईवे का उद्घाटन करेंगे। हाईवे के अक्षरधाम से लोनी तक खंड एक और लोनी और बागपत तक खंड दो है। जब उन्हें राम से काम नहीं तो राम के काम से क्या काम, महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बोले बागेश्वर बाबा। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों और गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की बात का समर्थन किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब उन्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से क्या काम, इसीलिए गैर हिंदुओं को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री का कितना सम्मान किया जाए इस बारे में पता हो, उसी को एक कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। यूपी में अरबों रुपए लेकर भागी LUCC कंपनी पर ED का भी शिकंजा, संचालक पर 50,000 का इनाम घोषित। दरअसल आपको बताने कि यूपी के ललितपुर में 8 प्रदेशों के हजारों निवेशकों का अरबों रुपए लेकर फरार हुई चिटफंड कंपनी LUCC पर ED ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। 7 दिन पहले इस मामले में ED ने भी FIR दर्ज कर ली थी। ED उसकी संपत्तियां खंगाल रही है। वहीं ललितपुर पुलिस ने कुछ समय पहले ही फरार चल रहे संचालक समीर अग्रवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आजम खान से सीतापुर जेल में मिले 3 सपा नेता, डिंपल यादव ने कहा तालमेल बैठा कर उपचुनाव की तारीख बदली गई। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में दिवाली की छुट्टी के बाद फिर से उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। वोटिंग में अब सिर्फ 16 दिन बचे हैं। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से रामपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेंद्र सिंह चौहान ने मुरादाबाद के 2 अन्य सपा नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात 1.5 घंटे तक चली जिसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इधर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगा दिया गया जिसमें 2024 का जननायक के बाद अब 2027 का महानायक बताया गया है। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा उपचुनाव के मतदान की तारीख 20 नवंबर कर दी गई है। कहीं न कहीं हलचल मची हुई है, तालमेल बैठा कर तारीख बदली गई है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद का विवाद आज सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाओं पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दरअसल आपको बताने की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चार मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रांसफर करने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग और 7-11 यानी पूरा प्रकरण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है यह वाला वाद शामिल है। यूपी में छाने लगा कोहरा, हल्की बारिश के आसार, जाने मौसम विभाग की क्या है भविष्यवाणी। दरअसल यूपी में दिवाली के बाद ठंड और कोहरे की एंट्री हो गई है। मौसम बदल रहा है, प्रदेश में धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है। अब सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है, कोहरे का असर आज भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। तो आजकल बस इतना है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यूपी के रोज के ऐसी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।